लोकसभा चुनाव 2024 का आज शंखनाद हो गया। इसी के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। आज धार कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंत मिश्रा ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। इसके बाद पत्रकार वार्ता में बताया कि धार जिले की 7 विधानसभा एवं इंदौर जिले की 1 महू विधानसभा को मिलाकर धार महू लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा तथा 4 जून को मतगणना होगी। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहां 24 घंटे अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो चुनाव को लेकर कोई भी शिकायत दर्ज होने पर उस पर अमल करेंगे। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए जिले में असामाजिक तत्वों, सोशल मीडिया, मादक पदार्थ तस्करों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो समाज व चुनाव को प्रभावित करने वाले हों। जिले में किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा इत्यादि के लिए प्रशासन की अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के ऐसे आयोजनों पर कार्यवाही की जाएगी। धार से साबिर खान की रिपोर्ट। आज 16 मार्च को सामान्य निर्वाचन भारत की लोकसभा के लिए का नोटिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। और जैसा आप लोगों को विदित है कि कार्यक्रम जारी होते ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाती है, उसके तहत आज हम लोगों ने जिला पंचायत की मीटिंग हॉल में पॉलिटिकल पार्टीज अर्थात राजनीतिक दलों की भी बैठक आमंत्रित की थी और अपनी भी मीडिया बंधुओं को आमंत्रित किया था इसके बारे में जानकारी देने के लिए। हमारे धार जिले में स्थित जो एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, धार महू लोकसभा संसदीय क्षेत्र, जो 8 विधानसभाओं से मिलकर के बनता है, इसमें धार जिले की संपूर्ण 7 विधानसभाएं और इंदौर जिले की महू विधानसभा है। इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए निर्वाचन चौथे चरण में होगा, जिसमें 26 जिसकी नोटिफिकेशन जो है वो 18 अप्रैल को जारी किया जाएगा और नाम निर्देशन पत्र की अंतिम तिथि 25 अप्रैल रहेगी। उनका अंतिम जो नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की तिथि 29 अप्रैल रहेगी और मतदान दिवस जो है 13 मई 2024 रहेगा। मतगणना 4 जून को होगी और 6 जून तक पूरी कार्रवाई जो है मतदान की वो पूर्ण की जाएगी। इसके तहत मैं सभी हमारे जिले के मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि वह अभी से मन बना लें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और प्रयास ये करें कि कोई भी मतदाता ना छूटे। आप स्वयं भी, अगर आपका मतदाता सूची में नाम है, आप स्वयं भी वोट डालें और अपने अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, जैसी आपकी परिवार में जो लोग हों, जो मतदाता हों, उन सब लोगों को जागरूक करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और पूरे विश्व में ऐसा कोई गतिविधि होती ही नहीं कि इतनी अधिक संख्या में लोग वोट दें अपनी सरकार चुनने के लिए। मेरा आप सभी लोगों से पुनः आग्रह है कि वोट अवश्य दें और सभी राजनीतिक दलों से, सभी प्रोस्पेक्टिव जो अभ्यर्थी हैं उनसे और जो भी लोग निर्वाचन और प्रचार प्रसार में लगते हैं, उन सभी से आग्रह है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल भंग हम नहीं होने देंगे और किसी भी प्रकार से चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण होगा और जो भी शांति को भंग करने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चाहे अवैध रूप से मतदाताओं को लुभाने के लिए कैश देना हो, लिकर का प्रभाव डालना हो, या फिर किसी प्रकार का फ्रीबी जिसको कहते हैं, कुछ मुफ्त में रेवड़ियां बांटना हो, इस पर हमारे पूरे प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी और पुलिस और प्रशासन मिलकर के ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगा और किसी भी प्रकार से जो है निर्विघ्न चुनाव कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और इसमें पूरा जो हमारे जितने भी पीठासीन अधिकारी, उनकी पूरी टीम, हमारे पूरे आरओ, एआरओ, पुलिस के हमारे सभी जवान और जो बाहर से सिक्योरिटी फोर्स आएंगे, उन सबके साथ मिलकर के हम लोग निर्विघ्न चुनाव कराएंगे। पुनः आप सब लोगों को आगामी लोकसभा के चुनाव की और मतदान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिले में सभी जो भी पदस्थ अधिकारी थे, सभी हमारे यहाँ पे उनको रिलीव कर दिया गया है। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा विधानसभा के बाद ऐसा इस श्रेणी में कोई अधिकारी नहीं आ रहे थे कि जिनको अभी तत्काल में हमें रिलीव करना था। एक कुछ एसडीएम और कुछ अन्य अधिकारी आ रहे थे, उनको रिलीव कर दिया गया है और हमने प्रमाणीकरण भी किया, हमारे ऐसा कोई अधिकारी शेष नहीं है। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा कर दी गई है। 13 मई को धार जिले में लोकसभा चुनाव सम्पन्न होना निश्चित हुआ है। चुनाव धार में निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, भयमुक्त हो, इसके लिए हमारा पूरा प्रशासन कमर कस लिया है।
आप लोगों को पता होना चाहिए कि मसल पावर, मनी पावर, लिसिट लीकर, इलीगल आर्म्स, नॉन लेवल वारंट्स, पेंडिंग केसेस, हिस्ट्री सीटर्स, गुंडाज, एरिया डोमिनेशन मार्च, CAPF का डिप्लॉयमेंट, सभी हम लोग पुख्ता इंतजाम करेंगे पूरे जिले के लिए। किसी भी तरह से कोई भी आदमी कानून व्यवस्था भंग करने का या चुनाव में अशांति फैलाने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। हम लोग मिल करके एक ऐसा वातावरण का निर्माण करेंगे कि दूरस्थ ग्रामीण अंचल में बैठा भी व्यक्ति अपने घर से निकल करके भयमुक्त चुनाव कर सके और शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव हो। इसके लिए हम आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि आम जनता निष्पक्ष होकर के, निर्भीक होकर के मतदान करे, हम पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराएंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.